Assalamualaikum and welcome back students. जैसा कि हमने अपने previous lecture के अंदर question 1 और 2 complete कर लिए थे, now we are moving towards question number 3, which is of multiple choice questions. Here we have our first question. 3,735,205 in figures is. हम अपने first option के साथ ही पहले इसको check करेंगे. 3,735,205. तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है. पार्ट बी, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM means. हम इस टेबल की एग्जांपल ले सकते हैं. TM किस लिए स्टैंड करता है? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो 10 मिलियन हमारे ऑप्शन में मौजूद है. पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया. पार्ट सी, 200 मिलियन इज आ, मतलब कि अगर 100 मिलियन की प्लेस तक अगर हम जाते हैं तो ये टोटल कितने डिजिट्स हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो हमारे पास क्या हुआ कि 9 डिजिट नंबर हो गया. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. जी, हमारा पार्ट डी है. विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म? स्टार्ट करते हैं यूनिट से. 5 इन प्लेस ऑफ यूनिट, 2 इन प्लेस ऑफ टेंस, 7 इन प्लेस ऑफ 100, 56 इन प्लेस ऑफ 1000 एंड 6 इज ऑन द प्लेस ऑफ मिलियन. 100,000 हमारे पास 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया. यहाँ पर चलते हैं, ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है. 7 हमारे पास 100 की पोजीशन पे आना चाहिए. हम देख सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा. 5 इन प्लेस ऑफ टेंस, 5 इन प्लेस ऑफ यूनिट, 2 ऑन टेंस, 7 ऑन 100, 56 ऑन 1000. 100 की प्लेस पर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 100,000 की वैल्यू गिवन नहीं है, और 6 आएगा हमारे पास मिलियन की प्लेस के ऊपर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी का पार्ट सी इज करेक्ट. ई, हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है. एज यू ऑल नो, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर स्पेसेस लाजमी होते हैं आफ्टर ईच 100. तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हम अगर देखते हैं यूनिट 10, 100, देन स्पेस करेक्ट है. 1000, 10,000, 100,000 स्पेस करेक्ट है. मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद हमारे पास स्पेस आना था. ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया. इस पर चलते हैं. यूनिट 10, 100, यहाँ पे गैप आना था, ऑप्शन रॉन्ग हो गया. यूनिट 10, 100 स्पेस करेक्ट, 1000, 10,000, 100,000 स्पेस करेक्ट, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन स्पेस करेक्ट, एंड देन बिलियन. हमारा पार्ट ई का ऑप्शन सी ही सही माना जाएगा. यस, टू मूविंग टूवर्ड्स अवर फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. जी, तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अब से आप लोगों के होमवर्क के भी क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कर लें कि आप लोग अपना काम वक्त पर कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों का होमवर्क भी टाइम से सबमिट हो जाए, क्योंकि उसकी भी एक सबमिशन डेट होगी जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी बता दूंगी. तो नंबर्स इन वर्ड्स करना है. हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है, तो हम इसके सिर्फ 2 पार्ट्स देखेंगे. एक मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी और एक आपको होमवर्क दिया जाएगा. तो हम पार्ट ए देखते हैं. पहले हम इसको अपने पास कॉपी पर नोट करेंगे. आई होप जो स्पेसेस गिवन है उससे आप लोग को आसानी हो जाएगी. हम उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आपको भी इजी हो जाए. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 in million. सिंपल है. 1 मिलियन फाइव 100
थाउजेंड. पार्ट डी जो है वो आपका होमवर्क है. क्वेश्चन फाइव पे चलते हैं. राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमारे पास स्पेसेस लाजमी होते हैं हर 100 के सेट के कम्प्लीशन के बाद. यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट्स हैं जिसमें से एक मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, बाकी दो आपके होमवर्क हैं जो आपने मस्ट करना है. तो पार्ट ए देखते हैं हम. 1 मिलियन नाइन हंड्रेड थाउजेंड. तो इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे. मिलियन तक बात जा रही है तो हम पहले प्लेस वैल्यूज डाल लेते हैं. यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड देन मिलियन. 1 मिलियन 900. हमारे पास हंड्रेड टेंस और यूनिट्स के ऊपर कोई इन्होंने वैल्यू नहीं दिया तो इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा. डन विद द फर्स्ट पार्ट जी. तो नाउ आपका पार्ट बी और सी होमवर्क है. मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. मेक श्योर कि आप लोग अपना काम प्लस होमवर्क साथ साथ कंप्लीट करते जाएं. पार्ट क्वेश्चन सिक्स. राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली. सेम एग्जैक्ट थिंग. फोर पार्ट्स हैं हमारे पास. एक मैं कर देती हूँ आपके लिए, बाकी दो मैं आपको होमवर्क दूंगी. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. टेन डिजिट नंबर है. यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन एंड बिलियन. सिक्स फाइव थ्री फोर एट थ्री फाइव ज़ीरो नाइन एंड टू. सो दैट बिकम्स 2,905,000,000 384,356 units. Part B and D आपका homework है. I guess मुझे इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है तो नहीं, but फिर भी. Question number 7. Write the following numbers in words. हमारे पास ये सिक्स पार्ट्स हैं जिसमें से आई गेस ये बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि आप नाइन और टेन डिजिट से अभी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तो इसीलिए मैं आपके लिए ए कर देती हूँ, बाकी डी आपने खुद घर पे सॉल्व करना है. तो पार्ट ए है. देखने से ही बहुत इजी लग रहा है. अगर हम इसके ऊपर प्लेस वैल्यू डालें तो बहुत आसान हो जाएगा. यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन. सिंपल. 4 मिलियन. पार्ट डी इज योर होमवर्क. आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर हमारे पास चार पार्ट्स हैं. एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको, बाकी दो आपके होमवर्क होंगे.
क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली. वर्ड्स में हमारे पास नंबर गिवन है, उसको हमने डिजिट्स की सूरत में लिखना है. ए 2 बिलियन मतलब के 10 डिजिट नंबर होगा. 500,000 कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं. बात बिलियन तक गई है तो हम प्लेस वैल्यू पहले बिलियन तक डाल लेते हैं आसानी के लिए. टू बिलियन है, स्पेसेस आप देख सकते हैं. फिर 500,000 मतलब मिलियन की प्लेस पर ज़ीरो है. 500,000 दैट मीन्स 500,000 आगे भी ज़ीरो जाएंगे. सो या अब आपके क्वेश्चन 8 के अंदर पार्ट बी एंड डी एज वेल होमवर्क हो गया. जितने मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं कि कौन कौन से होमवर्क में हैं, मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट डी आपका होमवर्क है, 5 के अंदर बी एंड सी, 6 के अंदर बी एंड डी होमवर्क है, 7 के अंदर डी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बी एंड डी होमवर्क है. बाकी जो मैंने आपको अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है ये भी आपने कॉपी में लाजमी कॉपी डाउन करने हैं और अपना काम एज सून एज पॉसिबल कम्प्लीट कर लेना है ताकि फिर सबमिशन डेट के टाइम आपको लेट ना हो. Thank you so much.